नमस्ते मैम, जन सरोकार मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको जी सर, नमस्ते। महावीर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी तो बड़ी शुभकामनाएं खुशी सर। की बात, बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है कि आज आप भगवान महावीर के विचारों को लेके, उनकी प्रासंगिकता को लेके बात करेंगे, तो आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद आपको ये अवसर देने के लिए। आज हम वर्तमान तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में उनके विचारों की प्रासंगिकता पर विचार करेंगे। महापुरुषों का जन्म ही विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए होता है। भगवान महावीर का जन्म भी चैत्र शुक्ला त्रयोदशी अर्थात 30 मार्च सन ईस्वी पूर्व 599 के दिन वैशाली गणतंत्र के कुंड ग्राम में राजा सिद्धार्थ और उनकी पत्नी त्रिशला के यहाँ हुआ था। महावीर का जब जन्म हुआ तो उन्होंने देखा कि समाज में आर्थिक विषमता के साथ ही नैतिक और मानवीय मूल्यों का स्थान नगण्य हो रहा है। दास दासियों के रूप में मनुष्य का क्रय विक्रय हो रहा है। स्त्रियों को भोग की वस्तु से अधिक कुछ नहीं समझा जा रहा है। शिक्षा के अभाव में समाज में अनैतिकता और अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। महावीर ने चिंतन प्रारंभ किया कि इन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं, समाज में फैली हुई इन बुराइयों को कैसे दूर किया जा सकता है। ज्ञान के बिना क्रिया अर्थहीन है, अतः सर्वप्रथम उन्होंने चरम ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना आरंभ की और अनेक कठिनाइयों और उपसर्गों को भोग कर वैशाख शुक्ला दशमी के दिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12.5 वर्षों की साधना के पश्चात उन्हें उस चरम ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसको वो प्राप्त करना चाहते थे। इतनी लंबी साधना के पश्चात उस ज्ञान को प्राप्त जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, महावीर ने मानव जीवन और जगत की समस्याओं के समाधान की ओर उसको लगाने का कार्य प्रारंभ किया। उन्हीं के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ जिनकी उपयोगिता शाश्वत है, अर्थात उस समय भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। महावीर के सिद्धांतों में सर्व प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा, जिसकी बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या महावीर ने बताई है। किसी को मारना या वध न करना ही अहिंसा की श्रेणी में नहीं आता, अपितु भावना से भी किसी के प्रति बुरे विचार रखना हिंसा की श्रेणी में आता है। महावीर ने कहा, जियो और जीने दो, अर्थात जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो, और जो अपने लिए नहीं चाहते हो वो दूसरे के लिए भी कभी मत चाहो। ये आज भी प्रासंगिक है। यदि विश्व का प्रत्येक व्यक्ति ये समझ ले कि अगर जो सुख मुझे जिस वस्तु से मुझे सुख की प्राप्ति होती है वही मैं दूसरों के लिए करूं, तो शायद किसी भी प्रकार की अशांति का वातावरण नहीं बन पाए बनेगा और विश्व का कल्याण, विश्व शांति युद्धों से कभी संभव नहीं है। अहिंसा ही वह अमोघ अस्त्र है जो विश्व में सुख शांति का कारक बन सकता है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को सत्य सिद्ध कर सकता है। महावीर का दूसरा सिद्धांत है सत्य। महावीर ने अज्ञानता के आवरण से जड़ीभूत जनता को सत्यनिष्ठ होने का उपदेश दिया और ये सभी धर्मों का सामान्य नियम है, जिसे जीवन में अपनाने से मनुष्य में मनुष्यत्व या मानवीय मूल्यों का विकास होता है। लेकिन सत्य भी वही श्रेष्ठ होता है जो लोक धर्म और मानवता के सकारात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ हो। सत्य को आचरण में लाने से मानव बहुत सारे अवांछित तनावों से दूर रह सकता है। कहते हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और अनेक झूठों का जब व्यक्ति सहारा लेता है तो वो तनाव को जन्म देता है। उसी बात को सत्य रूप में कह दिया जाए तो हमारे मन पर कोई बोझ नहीं रहता, और प्रसन्न चित्त रहने की पहली आवश्यकता है कि हम जीवन में अधिकांशतः सत्य का प्रयोग करना सीखें। भगवान महावीर ने पाप कर्मों से मुक्ति का सीधा सा उपाय बताया है। दशकालिक सूत्र में उन्होंने बताया है, किसी ने प्रश्न किया कि भगवान फिर किस प्रकार के आचरण के द्वारा मनुष्य सुख को प्राप्त कर सकता है, तो उन्होंने बताया इसका एक ही उपाय है कि
कि आप जो भी कार्य करते हैं उसको विवेक पूर्वक करें, उसमें यतना रखें। जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम से जयम भुंजंतो भासंतो पाव कम्मम न बंधई। अर्थात यदि व्यक्ति विवेक पूर्वक आचरण करता है तो किसी भी प्रकार के पाप कर्म उसके बंधेगे भी नहीं। और पाप कर्म की तो बात छोड़िए, यदि हम विवेक पूर्वक अपने जीवन में आचरण करते हैं तो हम बहुत सारे तनावों से सहज में ही मुक्त हो जाते हैं। महावीर का अगला सिद्धांत है अस्ते, अर्थात चोरी करना उन्होंने महापाप बताया है। अदत्ता दान स्तेयम, अर्थात बिना दिए कोई पदार्थ ग्रहण करना चोरी है। महावीर ने बताया धन दौलत भौतिक वस्तुएं उनके स्वामी को प्राणों से प्रिय होती है। आप जानते हैं सभी लोग तिनका तिनका करके अपनी प्रिय वस्तुओं का संग्रह करते हैं। यदि कोई उनका बिना पूछे हरण कर लेता है तो उसके स्वामी को बहुत दुख की प्रतीति होती है। उसका हरण करने से उसके स्वामी को कष्ट होता है। चोरी करने वाले के हृदय से करुणा दया जैसे मानवीय मूल्य पहले ही समाप्त हो जाते हैं। चोरी करने वाला जब स्वयं पकड़ा जाता है तो स्वयं भी कष्ट भोगता है, अपयश का भागी बनता है। महावीर ने तो यहां तक कहा है कि जो परंपरा से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके रचयिता की आज्ञा लेकर ही आपको उसका उपयोग करना चाहिए। उस ज्ञान को समझने में यदि आपसे कोई भूल हो जाए तो उसकी आलोचना करनी चाहिए। इसलिए दूसरे के हक की वस्तु छीनना या मक्कारी से लेना या निर्धारित काम किए बिना वेतन लेना, समय से अपना काम न करना, इन सबको उन्होंने चोर कर्म के अंतर्गत माना है। चोर का साथ देना, राज के विरुद्ध कार्य करना, गलत नाप तोल करना, वस्तुओं में मिलावट करना, ये सारे कार्य अस्ते सिद्धांत में समाहित है। यदि हम इसे समझकर जीवन में उतारें तो परस्पर सारे लड़ाई झगड़ों और इन सारी समस्याओं का निराकरण संभव है और हम एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर अग्रसर हो जाएंगे। महावीर का अगला सिद्धांत है अपरिग्रह। समाज और राष्ट्र की विषमता को दूर करने के लिए अपरिग्रह परम आवश्यक तत्व है। कारण यह है, प्रकृति ने समस्त चराचर जगत की आवश्यकता के अनुसार भरण पोषण की व्यवस्था की है। असंतुलन तब पैदा होता है जब धन बल पर कुछ लोग आवश्यकता से अधिक संचय करके उसका उपभोग करते हैं और शेष लोग दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं के उपयोग के लिए भी तरसते हैं। इसलिए महावीर ने कहा है कर्म करो। जीवन यापन के लिए धन भी आवश्यक है, लेकिन उसके उपयोग पर एकाधिकार या मूर्छा भाव ना रखें। शक्ति भर पुरुषार्थ करें लेकिन संपत्ति पर मोह ना करें। स्वार्थ के लिए संचय पाप है। धन का उपयोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए करें। यदि महावीर के इस सिद्धांत को समझा जाए तो समाज की जो आर्थिक विषमता है इस समस्या का निराकरण सहज में ही संभव हो सकता है। अगला सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। भारतीय संस्कृति में शील को आभूषण कहा गया है। स्वयं को अशुद्ध करने वाले विषय विकारों से मुक्त होना ही ब्रह्मचर्य का मूल है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है समस्त इंद्रियों का संयम। जब तक समस्त इंद्रियों पर संयम न रखा जाए तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन संभव नहीं है। अतः ब्रह्मचर्य की साधना के लिए पांचों इंद्रियों को वश में रखना अनिवार्य है। सभी धर्म के अनुयायी ब्रह्मचर्य की महत्ता को स्वीकार करते हैं। समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए भी कुछ नियमों का निर्धारण करना अनिवार्य है और ब्रह्मचर्य का पालन इस दृष्टि से भी आवश्यक है। महावीर ने तो यहां तक कहा तवेसु वा उत्तम ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा तप है। पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति के प्रभाव स्वरूप आज हमारी युवा पीढ़ी और हम सब इसकी शक्ति से इसके महत्व से अनजान है। आवश्यकता है उसको इस ज्ञान उनको ये ज्ञान कराने की। इंटरनेट के इस दौर ने युवा पीढ़ी को उच्छृंखल बना दिया है जिसका परिणाम है समाज में बढ़ता व्याभिचार, बलात्कार, शोषण और तनाव। महावीर के इस सिद्धांत को यदि हम समझें और दूसरों को भी समझाएं तो हम इन समस्याओं से मुक्ति पाकर के सुंदर सृष्टि का संसार की सुंदर सृष्टि की संरचना कर सकते हैं। महावीर ने तो नारी संबंधी विचार अभिव्यक्त करते समय यह भी कहा है कि शोषित नारी को स्त्री से मनुष्य समझने की दिशा में उन्होंने ठोस कदम उठाते हुए ये बताया कि पुरुषार्थ करके नारी भी जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकती है।
चंदन बाला का उदाहरण हमारे सामने है। चंदन बाला का उद्धार कर नारी को भी उन्होंने पुरुष के समान धर्म कर्म करने की स्वतंत्रता दी है और देने की बात कही है। महावीर ने जब तीर्थ की स्थापना की तो उसके चार पाए बताए हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तो नारी के बिना तीर्थ की स्थापना ही संभव नहीं थी। इसलिए महावीर के विचारों पर यदि हम गौर करें, यदि हम उनको अपनाने का प्रयास करें, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें मिल सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण उनका सिद्धांत है अनेकांतवाद। समाज को मिलजुल कर चलने और सबकी बात सुनने समझने की प्रेरणा देता है ये सिद्धांत। अनेकांतवाद का जन्म ही इस तथ्य से हुआ कि प्रत्येक तत्व, पदार्थ, प्राणी या अन्य वस्तु के अनेक पक्ष हो सकते हैं। जैसे वस्तु के दो रूप होते हैं, एक द्रव्य, दूसरा पर्याय, अर्थात एक शाश्वत, दूसरा परिवर्तनशील। उसी प्रकार कोई भी दृष्टिकोण एकांगी सही नहीं होता। जब तक उसके स्वरूप के सभी पहलुओं की समीक्षा न कर ली जाए, तब तक वस्तु का सही रूप उभर कर हमारे सामने नहीं आता है। इस सिद्धांत को समझने से समता मूलक समाज के निर्माण एवं विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण जैसे सपनों को हम साकार कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने मानव जाति को दिया है कि जन्म से ही मनुष्य कर्म प्रधान होता है। तो महावीर का कर्मवाद ये है कि आप स्वयं ही अपनी आत्मा के कर्ता और भोक्ता है। उत्तरायण सूत्र में उन्होंने कहा है, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणम ये सुहाणम ये अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्ठ्यम सुपट्ठियो। अर्थात सुख और दुख अपने ही कर्मों से आते हैं। ये कर्म एक जन्म में नहीं, अनेक अनेक जन्मों में भी अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। वे स्वयं तीर्थंकर बन गए, लेकिन एक ग्वाला उनके कानों में कीले ठोककर चला गया। पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम था और इसे उन्होंने शांत भाव से सह लिया कि जो कर्म मैंने किए हैं उनका भुगतान मुझे करना ही है। ये कर्मवाद का सिद्धांत है जो समझाता है किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझे दुख पहुंचाया, ये भ्रांति है। वह तो निमित्त है, माध्यम है। वास्तव में जो भी दुख मेरे जीवन में आ रहा है वो स्वयं मेरे किसी कार्य का परिणाम है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझ ले तो शांति की स्थायी स्थापना हो सकती है और दूसरों पर मिथ्या दोषारोपण की प्रवृत्ति से बचा जा सकता है। वर्तमान में हम इन सिद्धांतों का अनुकरण कर सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये तो उनके सिद्धांतों की बात हुई। महावीर आगे ये बता रहे हैं कि ज्ञान, दर्शन और चरित्र के बिना व्यक्ति सत्कर्म की ओर प्रेरित नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने बताया है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की जीवन में अति आवश्यकता है। जैसे सम्यक ज्ञान जीवन में नव चेतना का सृजन करता है। यदि व्यक्ति को सत्य की अनुभूति हो जाए तो वह भोगों की कामना से ऊपर उठकर सत्य के आचरण में प्रवृत्त हो जाता है। यह मार्ग सम्यक चरित्र का है, जिसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जीवन के वास्तविक लक्ष्य यानी कि मुक्ति के मार्ग का बोध करा देता है। समता दर्शन उनकी धर्म सभा में देव, दानव, मनुज, पशु, पक्षी सभी बैठ सकते हैं, सभी वर्ग के लोग आ सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में संभावी काम आता है। यह वह मानवीय गुण है जो लोकप्रिय और यशस्वी बनाने के साथ ही मोक्ष मार्गी भी बनाता है। इस प्रकार महावीर का सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महावीर के सिद्धांत हमें जागृति का संदेश देते हैं। आज भी उनके संदेश दीप स्तंभों के समान शांति पथ पर चलने वाले पथिकों का मार्गदर्शन कर सकता है। आवश्यकता है उस ज्ञान को जानकर आचरण में उतारने की, क्योंकि बिना ज्ञान क्रिया मन की इच्छा पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। महावीर ने सची कहा है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र मोक्ष मार्ग के द्वारा ही हम मोक्ष मार्ग को पा सकते हैं। महावीर की यह सिद्धांत शाश्वत है। यदि हम अपने जीवन में इन्हें आचरित करने का प्रयास करें तो स्वयं के साथ समाज, राष्ट्रीय नहीं, विश्व शांति और समृद्धि के द्वार खोले जा सकते हैं। हम आनंदमय सृष्टि के संचरण में कदम बढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।